हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड द बेसिक पार्ट्स ऑफ आई। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। द आई, हमारी जो आँख है इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम ईजीली समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी आँख किस तरह से काम करती है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप इसका एक स्ट्रक्चर बना लें, एक होलोग्राम बनाएं। होलोग्राम बेसिकली, अगर आप एक आईना उठा के देखें अपनी आँख को, तो इसमें सबसे पहले आपको एक दिखेगा, एक ब्लैक डॉट दिखेगा। ये ब्लैक डॉट बेसिकली हमारी प्यूपल है, और इसके जो इर्द गिर्द एक जो है झिली नुमा चीज़ है, जो जिसमें ये प्यूपल फैली हुई है, इसे हम आयरस कहते हैं। और ये जो हमारा वाइट कलर का मैटर है उसके इर्द गिर्द, इसको कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के साथ ही हमारे कुछ मसल्स होते हैं। जैसे ही हमारे आँख में कुछ लाइट आती है, ये मसल्स इस आयरस और इस प्यूपल को कम या छोटा कर देती है, जिस वजह से वो लाइट हमारी आँख में कम या ज़्यादा एंटर होती है। इसके बाद इसी आँख में कुछ लेंस होते हैं, जिसे हम रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना के अंदर बेसिकली वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे आँख में एक इमेज को, एक इम्पल्स को, एक लाइट को रिसीव करते हैं, और वो लाइट इसी रिसेप्टर के ज़रिए हमारे ब्रेन के ऑसिपिटल लूब में जाकर एक इमेज क्रिएट करते हैं। अब बेसिकली हमारी आँख किस तरह से वर्क कर रही है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई हमें तेज़ रोशनी हमारी आँख से टकराती है, या हम तेज़ रोशनी में होते हैं, तो हम अपनी आँख को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो आँख के मसल्स हैं, मतलब जो आयरस और प्यूपल को कम या ज़्यादा फैला रहे हैं और इसे थोड़ा सा ऐसे सुकड़ा रहे हैं, तो बेसिकली यही मसल्स ही हैं जो कि हमारी आँख को कम, छोटा या बड़ा कर रहे हैं। जो कि जितनी ज़्यादा रोशनी होगी या जितनी मध्यम रोशनी होगी, मिसाल के तौर पे अगर हम बहुत ही तेज़ रोशनी में चले जाएं तो तेज़ रोशनी में हमारी आँख छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से रोशनी हमारी आँख में दाखिल होकर ये सीधी जाती है रेटिना पे। अब रेटिना में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक है रॉड्स और एक है कोन्स। कोन्स बेसिकली हमारे लाइट रिसेप्टर्स हैं, मतलब जो कलर रिसेप्टर्स हैं। हम जितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स देखते हैं, वो बेसिकली रॉड, इन्हीं कोन्स का ही काम है। कोन्स का बेसिकली काम है उन कलर्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद जो सेकंड है रॉड्स, रॉड्स के पास सिर्फ दो तरह की कमांड होती है, द ब्लैक एंड वाइट कलर आइडेंटिफिकेशन। रॉड्स सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर को ही आइडेंटिफाई करता है। इसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है फोविया। फोविया एक ऐसा हिस्सा है जो कि ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा सा ऊपर होता है। फोविया में सिर्फ कोन्स ही होता है जो कि कलर को ही आइडेंटिफाई करता है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे जो जानवर हैं, मतलब एनिमल्स जो हैं, उनमें जो है कोन्स नहीं होता और वो कलर्स की पहचान नहीं कर पाते। उनकी आंखों में बेसिकली बहुत ज़्यादा रॉड्स होते हैं, रॉड्स जो कि वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन को ही देखते हैं। अब आँख में एक हिस्सा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ऐसी जगह है जहाँ पे ना ही रॉड्स होते हैं और ना ही कोन्स होते हैं। जब भी एक लाइट हमारी आँख में एंटर होकर रेटिना तक पहुँचती है, और रेटिना में वो रॉड्स एंड कोन्स, वो दो रिसेप्टर्स, उनको आइडेंटिफाई करके जो ऑसिपिटल लूप तक ले जाते हैं, वो बेसिकली इसी ऑप्टिकल डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट से ही लेके जाते हैं और वो एक इमेज क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आई के स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।